नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अलवेज विनर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच जो T20 मैच खेले जाने वाला है। इस मैच की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना चाहिए। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए मैच अच्छा होने वाला है, बिकॉज देखा जाए तो इस मैच में क्रेडिट का उतना इशू नहीं है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना चाहिए। देखिए, मैच अच्छा हो या बुरा हो, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए बुरा हो, कोई भी बात हो, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा ही 2-3 मेंबर्स में ही करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ही 2-3 मेंबर्स में इजीली विन करता हूँ। 4 मेंबर्स की बात करेंगे तो 4 मेंबर्स में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए 4 मेंबर्स में मैं आपको नहीं कहता हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस मैच में आपको 2-3 मेंबर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा इन्वेस्टमेंट इस मैच में मीडियम रहने वाला है, आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करेंगे ये मैच रिस्की होगा या सेफ होगा, तो मुझे लगता है ये मैच सेफ होने वाला है, रिस्की नहीं होगा। अब रिस्की क्यों नहीं होगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्रेडिट का प्रॉब्लम होगा, लेकिन क्रेडिट का प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, वो आपको सिर्फ एक ही प्लेयर पे होगा जिसका क्रेडिट 9 क्रेडिट है। बस आपको ये क्रेडिट मैनेज करना होगा, और जिस प्लेयर को हम ड्रॉप करने वाले जिसका क्रेडिट 9 क्रेडिट है, उसका फॉर्म अच्छा नहीं है लास्ट के 2 मैचेस में, तो आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो 2 से 3 ऐसे प्लेयर होंगे जिन्हें हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन वो भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले। ओवरऑल देखा जाए तो मैच उतना भी की नहीं होने वाला है दोस्तों। तो जो हम टीम बनाएंगे दोस्तों, उस टीम में हम 10 प्लेयर सेफ लेंगे, लेकिन एक प्लेयर पे हमें रिस्क लेना होगा जो हमें क्लीन स्वीप करा सकता है। अब दोस्तों, टीम बनाने से पहले सबसे पहले तो हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल, यही टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप लिंक पे सीधा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। जिस टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरा नाम दिखेगा राहुल सिंह, यही मेरा टेलीग्राम चैनल है, और किसी भी फेक टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल भी ज्वाइन मत हो जाना दोस्तों। तो यहाँ पे देखा जाए तो 25,000 रुपये का फ्री गिव आपके रखा है बैट बॉल 11 पे, तो आप इजीली पार्टिसिपेट करके विन कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी मेरे हिसाब से। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हम जो है वो कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे और यहाँ पे टीम बनाने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है दोस्तों, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लिंक पे क्लिक करके सीधा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, वेन्यू की बात करेंगे, डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी का पीछे 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। आपको 7 बजे ऑनलाइन रहना होगा, 7:15 पर मैं आपको मेगा लीग की 6 टीम्स प्रोवाइड करूंगा, और साथ ही साथ 7:10 पर, मतलब लास्ट के 10 मिनट में, मैं आपको स्मॉल लीग की टीम एक प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, आपको जो मैं 6 टीम्स प्रोवाइड करूंगा 7:15 में, तो आपके पास 15 मिनट होंगे एडिट करने के लिए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 15 मिनट में एडिट हो जाएगी। वही आपके लास्ट को एक टीम स्मॉल लीग की जो मैं प्रोवाइड करूंगा 2-3 मेंबर्स में, वो लास्ट के 10 मिनट में प्रोवाइड करूंगा, तो आपके पास 10 मिनट बचेंगे उसे एडिट करने में अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज आप सेम टीम लगा सकते हैं। एवरेज स्कोर की बात करेंगे 143 का है। अब दोस्तों, लास्ट के कुछ मैचेस की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे वो मैचेस देखना होगा जो दिन में खेले गए, नाइट में खेले गए। यहाँ पे देखिए, ये नाइट में खेला गया, ये नाइट में खेला गया, लेकिन ये डे में खेला गया दोस्तों, उसके बाद ये भी डे में खेला गया। हमें लास्ट के कुछ मैचेस देखना होगा, लास्ट के 3 मैचेस देखने होंगे जो नाइट में खेले गए थे और जिसका स्कोर हम देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं आपको ये भी रिकॉर्ड बताऊंगा लास्ट के 5 मैचेस का, तो हमें पता ही नहीं चलता कि डे में कौन सा मैच है और नाइट में कौन सा। बहुत से यूट्यूबर यही कर रहे हैं दोस्तों कि वो यही बता रहे कि इस मैच का भी रिकॉर्ड आपको बता रहे थे कि लास्ट मैच में इतना स्कोर बना, लेकिन ये तो मैच डे में खेला गया था ना, 3:30 पर मैच स्टार्ट हुआ था, तो इसका रिकॉर्ड बताने का मतलब नहीं बनता है। हमें सिर्फ वही देखना होगा जो डे में मैचेस खेले गए। जैसे देखिए, हमें फर्स्ट इनिंग का स्कोर देखना होगा, जो नाइट में मैचेस खेले गए, फर्स्ट इनिंग का स्कोर अगर बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे गुजरात टाइटंस का था, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का स्कोर देखेंगे 162 का है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 216 है। उसके बाद दोस्तों, बात करेंगे 192 का है, जस्ट मिनट गाइस, यहाँ पे कलर जो है वो सेम हो रहा है, थोड़ा ग्रीन कर लेते हैं, ओके। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट इनिंग का स्कोर जो बना है ना, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, मतलब 162 का है। उसके बाद अगर देखेंगे तो 216 का यहाँ पे स्कोर बना। उसके बाद अगर बात करेंगे तो 190 प्लस स्कोर बना। तो देखिए, फर्स्ट मैच जो था, 3 मैचेस में से तीनों मैचेस का रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पे उतना स्कोर नहीं बना, लेकिन विकेट गए। यहाँ पे देखा जाए विकेट नहीं गए लेकिन अच्छा स्कोर बना, यहाँ पे भी विकेट नहीं गए लेकिन अच्छा स्कोर बना। अब सेकंड इनिंग की बात करेंगे, सेकंड इनिंग में दोस्तों ये मैच जीता गया था, आप देख सकते हैं 168 लेकिन 2 विकेट। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये मैच हारा गया था लेकिन 9 विकेट। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, ये भी मैच हारा गया था लेकिन 9 विकेट। अब लास्ट के 2 मैचेस का, अब अगर ये हम मैच छोड़ देते, ठीक है, लास्ट के 2 मैचेस का अगर रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो सेकंड इनिंग में आप देख सकते हैं, सेकंड इनिंग में विकेट ज़्यादा जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 विकेट, यहाँ पे 9 विकेट। लेकिन फर्स्ट इनिंग की बात अगर करेंगे ना, तो फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे जो बैट्समैन को पूरी तरह से सपोर्ट मिला, और मुझे लगता है कि इस मैच में जो है बैट्समैन को अगर सपोर्ट मिलेगा
तो मेरे हिसाब से फर्स्ट इनिंग में जो स्कोर बनेगा वो कम से कम 170 से लेकर 180 के बीच में स्कोर बनेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो विकेट जाएगी वो 5 से लेकर 6 विकेट जाएगी। अगर सेम पिच पे मैच खेला जाएगा, आप देख सकते हैं दोनों ही मैचेस में सिर्फ 4 विकेट 4 विकेट जो स्कोर देखेंगे ना, दोनों ही मैचेस में 190 प्लस का स्कोर बना है। लेकिन दोनों ही मैचेस में हुआ क्या है कि सेकंड इनिंग में 9 विकेट गए, सेकंड इनिंग में यहाँ पे 9 विकेट गए, और दोनों ही मैचेस सेकंड इनिंग में हारे गए थे। तो ये आपको देखना है, ये डे वाले मैचेस का मैंने रिकॉर्ड बताया आपको। उसके बाद बैटिंग फर्स्ट टीम की बात करेंगे, 4 मैचेस बैटिंग फर्स्ट टीम ने जीते, बैटिंग सेकंड टीम ने 6 मैचेस जीते दोस्तों। वही बात करेंगे लास्ट मैचेस के पेसर्स वर्सेस स्पिनर की, तो देखिए पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। लास्ट के 10 मैचेस में 72 विकेट मिले हैं यहां पे, देख सकते हैं आप, पेसर्स को, और 39 विकेट मिले हैं स्पिनर्स को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए दोनों ही टीमों में पेसर्स कितने हैं, स्पिनर कितने हैं, तो कौन कितने ओवर्स कंप्लीट कर सकता है। अब दोस्तों बात कर, तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिले, लास्ट के दोनों ही मैचेस में देखेंगे 9 विकेट पेसर्स को मिले हैं और 3 विकेट 2 विकेट स्पिनर को मिले। अब बात करेंगे ओवरऑल मैचेस की, तो 17 में से 5 मैच उस टीम ने जीते जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है, और लास्ट के दोनों ही मैचेस उस टीम ने जीते जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, बैटिंग सेकंड वाली टीम जो है वो विन करती है। क्यों विन करती है? क्योंकि यहाँ पे ड्यू का इफेक्ट होता है, ड्यू के इफेक्ट के कारण सेकंड इनिंग में बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है। वही पॉइंट्स टेबल की बात करेंगे तो 6 में से 4 मैचेस जो है वो लखनऊ ने जीते हैं, 2 हारे हैं। सेम बैंगलोर का भी वही है, 6 में से 4 मैचेस जीते हैं, 2 मैचेस यहाँ पे हारे हैं। एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 200 प्लस का भी स्कोर बन सकता है इस पिच पे, इजीली बन सकता है अगर बैटिंग लाइनअप अच्छा हो, विकेट ना जाए तो। और लोएस्ट स्कोर की बात करेंगे तो 120 रन के अंदर भी टीम ऑल आउट हो सकती है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली, जो आपको स्कोर पता होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोर बनता है 150 के नीचे का ही बनता है, जो भी हमें रिकॉर्ड बताया गया है यहाँ पे 150 के नीचे का स्कोर बनता है। लेकिन लास्ट के 2 मैचेस अगर देखोगे ना, तो आप देख सकते हैं 190 प्लस का ही स्कोर बना है लास्ट के 2 मैचेस में, 4 ही विकेट गए। सेम पिच में मैच खेला जाएगा दोस्तों, आपको पिच रिपोर्ट पता चलती है, तो आपको बैट्समैन को ही ट्राई करना चाहिए। टीम न्यूज़ की बात करेंगे, दोनों ही टीमों की तरफ से कोई भी टीम न्यूज़ निकल के नहीं आई है, मतलब दोनों ही टीमों का जो स्क्वाड रहने वाला है 11 प्लेयर का वो सेम रहने वाला है। अगर इसमें कुछ चेंजेस होगा तो टॉस के बाद हमें पता चलेगा, अभी फिलहाल के लिए तो कोई न्यूज़ निकल के नहीं आई है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे बैट्समैन वर्सेस बॉलर की, तो हमें ये देखना होगा कि लखनऊ के पास पेसर कितने हैं और स्पिनर कितने। सबसे पहले बात करेंगे आवेश खान है, उसके बाद डी चमेरा, जेसन होल्डर है, उसके बाद मेरे हिसाब से मार्कस टॉइनिस बॉलिंग करेंगे। ये 4 इनके इंपॉर्टेंट जो है वो मेन पेसर है, ठीक है, पेसर की बात करेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे स्पिनर की, रवि बिश्नोई है, कुणाल पांड्या है, ये दोनों इनके मेन स्पिनर है। अब सभी के सभी जो ओवर करेंगे तो यहाँ पर 24 ओवर हो जाएगा ना, फिर हमें ये देखना होगा कि कौन कितना ओवर कंप्लीट करेगा। आवेश खान, रवि बिश्नोई, डी चमेरा, जेसन होल्डर, कुणाल पांड्या, इनके ओवर करने के चांसेस फुल है। फुल मतलब क्या, पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे तो 20 ओवर तो यही हो गए। अब 20 ओवर यही हो गए तो क्या मार्कस टॉइनिस बॉलिंग करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या फिर आयुष बर्दोनी बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए यहाँ पे कुणाल पांड्या है, जेसन होल्डर, चमीरा, रवि बिश्नोई, आवेश खान, इनमें से कोई एक बॉलर ऐसा होगा जो शायद 3 ही ओवर कंप्लीट करेंगे, तो फिर मार्कस टॉइनिस यहाँ पे 1 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर 2 ओवर कंप्लीट करेंगे तो फिर मार्कस टॉइनिस या फिर आयुष बर्दोनी 1 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो मेन बॉलर होने वाले हैं मेरे हिसाब से ये बॉलर तो ऐसे होंगे जो 4 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं 100%। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जॉश हेजलवुड है, मोहम्मद सिराज है, हर्षल पटेल है, उसके बाद अगर देखा जाए तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ग्लेन मैक्सवेल की बात करेंगे, ये स्पिनर है, तो मेरे हिसाब से 3 इनके पास पेसर्स है। उसके बाद अगर बात करेंगे दोस्तों तो जगह डब्लू हसरंगा है, और उसके बाद जो है ग्लेन मैक्सवेल, ये दोनों इनके पास स्पिनर है दोस्तों। और प्रभु देसाई मेरे हिसाब से ये तो बॉलर नहीं है। उसके बाद अगर बात करेंगे शहबाज अहमद, मेरे हिसाब से ये बॉलिंग नहीं करेंगे, अगर बॉलिंग करेंगे भी तो ग्लेन मैक्सवेल अगर 2 ओवर कंप्लीट करेंगे तो फिर यहाँ पे शहबाज अहमद 2 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से इनके 20 ओवर कंप्लीट हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे लखनऊ की, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा इनके मेन बैट्समैन कौन है, ठीक है। मेन बैट्समैन की अगर बात करेंगे, जस्ट मिनट, का थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, सेम हो रहा है यहाँ पे। देखिए मेन बैट्समैन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे के राहुल है, उसके बाद देखेंगे डीकॉक है, उसके बाद मनीष पांडे, स्टॉइनिस और दीपक हुडा। दोस्तों ये इनके 5 मेन बैट्समैन है। मेन बैट्समैन का मतलब क्या है, इन्हें स्कोर करना होगा, ये इनके मेन बैट्समैन है। अब मिडल ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो कुणाल पांड्या और यहाँ पे बर्दोनी, ये दोनों मिडल ऑर्डर में आएंगे। अगर इनकी पारी जो है कम से कम 3 से 4 विकेट अगर 10 ओवर के अंदर चले जाते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे जेसन होल्डर से लेकर चमीरा, आवेश खान, ये इनके 4 इंपॉर्टेंट बॉलर होने वाले हैं। नीचे में चलते हैं दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की बात करेंगे, फैफ डुप्लेसी, अनुज रावत, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, प्रभु देसाई, ये इनके 5 मेन बैट्समैन हैं जिन्हें स्कोर करना होगा। अगर ये फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे प्रभु देसाई और शहबाज अहमद, ये मिडल ऑर्डर में आएंगे और बैटिंग करने के लिए और स्कोर कर सकते हैं। अब दिनेश कार्तिक के बारे में बता दोस्तों, ये लास्ट मैच में काफ़ी ज़्यादा नीचे बैटिंग करने के लिए आए थे, आप देख सकते हैं 7 नंबर बैटिंग करने के लिए आए थे। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आज इनको प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन देखिए प्रभु देसाई को लास्ट मैच मतलब ऊपर भी भेजा गया था, लेकिन ये इसी नंबर पर आते हैं बैटिंग करने के लिए,
लेकिन आज इस मैच में दिनेश कार्तिक को भी भेजा जा सकता है। लेकिन कहने वाली बात है दोस्तों, ये डिपेंड करता है कैप्टन के डिसीजन पे कि कैप्टन किस तरह से डिसीजन लेता है। देखिए यहाँ पे अगर विकेट जल्दी जाएंगे तो फिर शायद जो है वो दिनेश कार्तिक को उसी प्लेस पे रखा जाएगा, लेकिन विकेट नहीं जाते हैं मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे अच्छा स्कोर बनता है। देखिए अगर यहाँ पे 15 ओवर कंप्लीट हो जाते हैं, 15 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा 4 विकेट जाते हैं और 160 का स्कोर बनता है, तो फिर यहाँ पे दिनेश कार्तिक को ऊपर भेजा जा सकता है, क्योंकि लास्ट के कुछ 2 से 3 ओवर हो गए उसमें दिनेश कार्तिक हार्ड हिटिंग करे, लेकिन उतने हार्ड हिटिंग करते नहीं है कभी भी, लेकिन हो सकता है कि अच्छा स्कोर करे इसलिए इनको भेजा जा सकता है। अब प्लेयर सिलेक्शन की बात करेंगे दोस्तों, तो प्लेयर सिलेक्शन हमें ये देखना होगा। सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सिलेक्शन की, तो आप देख सकते हैं विकेट कीपर सिलेक्शन में हमारे पास कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन हम सबसे पहले ऐप ओपन करनी होगी। देखिए हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्शन कितना ज़्यादा है, के राहुल का, उसके बाद देखेंगे डीकॉक का, उसके बाद देखेंगे दिनेश कार्तिक का। इन तीनों का अगर सिलेक्शन की बात करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इन तीनों का ही सिलेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है। कहने का मतलब क्या है कि तीनों का ही सिलेक्शन अगर देखेंगे तो 50% के ऊपर है, ठीक है। लेकिन हमें इस मैच में रिस्क तो नहीं लेना, तो हमें क्या करना होगा, के राहुल डीकॉक को लेना है। अब दिनेश कार्तिक को क्यों ड्रॉप करना है, लास्ट मैच 7 नंबर बैटिंग करने के लिए आए थे, दिनेश कार्तिक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अनुज रावत की बात करेंगे तो स्मॉलिंग के लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट उतने नहीं होंगे, लेकिन आपको क्रेडिट मैनेज करना है तो फुल क्रेडिट आपका मैनेज हो जाएगा, लेकिन आपको एक प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा जो काफी ज्यादा रिस्की होगा। अनुज रावत को लेने के लिए किसी और बड़े प्लेयर को हम ड्रॉप नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं यहां पे अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं के राहुल है जो मेरे हिसाब से ओपन करेंगे इंपॉर्टेंट हो गए, डीकॉक ओपन करेंगे तो इंपॉर्टेंट हो गए, लेकिन दिनेश कार्तिक की बात करेंगे 7 नंबर पे आएंगे तो मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो गया। मेगा लीग में ठीक है आप ट्राई कर सकते हैं, अनुज रावत को मेगा लीग में आपको ट्राई करना चाहिए। बैटिंग सेक्शन की बात करेंगे तो देखेंगे बैटिंग सेक्शन में हमारे पास कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, उसके बात करेंगे। सबसे पहले फैफ डुप्लेसी, इनका सिलेक्शन देखते हुए चलिए, फैफ डुप्लेसी, विराट कोहली, मार्कस टॉइनिस, तीनों का सिलेक्शन 50% के ऊपर है। नीचे में अगर बात करेंगे दीपक हुडा 47, उसके बाद मनीष पांडे है, उसके बाद बदोनी है, उसके बाद प्रभु देसाई है, और नीचे में कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मेरे हिसाब से फैफ डुप्लेसी, विराट कोहली, मार्कस टॉइनिस, इन तीनों को आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब तीनों को ही क्यों ट्राई करना चाहिए, दीपक हुडा को क्यों ड्रॉप करना चाहिए, रीजन भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए दोस्तों बात करेंगे फैफ डुप्लेसी ओपन करेंगे, अच्छा प्रदर्शन रहा, 88 रन की पारी खेल चुके, लास्ट के दोनों मैचेस में फ्लॉप जरूर हुए, लेकिन एक ऐसे प्लेयर है जिन्हें हम बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते। मार्कस टॉइनिस की बात करेंगे, लास्ट मैच इन्होंने 1 विकेट जरूर निकाला था और 10 रन की पारी खेली, लेकिन ये 4th नंबर बैटिंग करने के लिए आ रहे। अब देखिए लास्ट मैच ओवर किया था, इस मैच ओवर करने की गारंटी नहीं है, लेकिन बैटिंग से आपको 100% पॉइंट दे सकते हैं। विराट कोहली इनको ड्रॉप करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, देखिए चलेंगे नहीं चलेंगे ये अलग बात है, लेकिन टीम में अगर हो गए तो एक अलग बात होती है, क्योंकि देखिए आपने अगर इन विराट कोहली को ड्रॉप करके बहुत बड़ा रिस्क लिया और आपके अपोनेंट के पास विराट कोहली होते, विराट कोहली चल गए, तो फिर आपकी टीम फ्लॉप हो सकती है। लेकिन अगर आप विराट कोहली को ट्राई करते हो तो विराट कोहली को 70% से ज़्यादा लोग पिक करेंगे, मतलब आपके अपोनेंट के पास भी विराट कोहली हो गए तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, फ्लॉप हो गए तो दोनों को ही फ्लॉप होने वाले हैं। उसके बाद दीपक हुडा की अगर बात करेंगे 5th नंबर पे आएंगे, इनका प्रदर्शन लास्ट के अगर मैचेस की बात करेंगे तीनों ही मैचेस में फ्लॉप हुआ, इसलिए इनका सिलेक्शन थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन जब इन्होंने 51 रन की पारी खेली थी तो इनका सिलेक्शन 50% के ऊपर था, तो सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। मनीष पांडे की बात करेंगे, लास्ट के तीनों ही मैचेस में फ्लॉप हुए तो इनका सिलेक्शन डाउन था, 38 रन की पारी खेली तो इनका सिलेक्शन बढ़ गया दोस्तों। प्रभु देसाई और बदोनी की बात करेंगे, स्मॉल लीग के लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं हो गए। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे, ग्लेन मैक्सवेल, जेसन होल्डर इंपॉर्टेंट हो गया, हम यहाँ पे चलते हैं और सिलेक्शन कर देते इनको, ग्लेन मैक्सवेल, जेसन होल्डर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए। नीचे में बात करेंगे शहबाज अहमद है, यहाँ पे शहबाज अहमद और कुणाल पांड्या, दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं हो गए। कुणाल पांड्या इंपॉर्टेंट तो हो सकते हैं लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना है। अब बॉलिंग सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल को मैंने टीम में ट्राई किया और उसके बाद देखेंगे शहबाज अहमद को ड्रॉप किया है, जेसन होल्डर को ट्राई किया है और कुणाल पांड्या को ड्रॉप किया है। बॉलिंग सेक्शन की बात करेंगे तो मुझे लगता है आवेश खान, रवि बिश्नोई, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए। हालांकि मैंने आपको ऊपर में बताया, फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि विकेट कितना मिल रहे हैं। देखिए पेसर्स को विकेट मिल रहा है 72 चक्के, मतलब 72 विकेट, और यहाँ पे देखेंगे तो 39 विकेट मिले हैं स्पिनर को। तो ऐसे में आपको पता है कि यहाँ पे जो है जस्ट मिन गाइज रवि बिश्नोई स्पिनर है, लेकिन फिर भी आपको इनको टीम में क्यों ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों स्पिनर इसका मतलब ये भी नहीं कि स्पिनर को कम विकेट मिले, 36 ही विकेट मिले, स्पेसर को 72 विकेट मिले तो पेसर ही ज़्यादा विकेट निकालेंगे, ऐसे नहीं होता। कभी कभी स्पिनर भी 2 विकेट निकाल सकते हैं और मुझे लगता है कि रवि बिश्नोई भी विकेट निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस देखिए 2 विकेट फिर 2 विकेट 1 विकेट, इस मैच में भी कम से कम 1 से लेकर 2 विकेट मिल जाते हैं। देखिए डी चमेदा को मैंने ड्रॉप किया है, आप चाहे तो पिक कर सकते, किस तरह से पिक करना है ये भी बताने वाला हूँ। उसके बाद डब्ल्यू हसरंगा, जॉश हेजलवुड, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए। हर्षद पटेल को क्यों ड्रॉप किया है, मोहम्मद सिराज को क्यों ड्रॉप, ये भी बताने वाला हूं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं
और आवेश खान को डब्ल्यू एस रंगा को पिक किया है। उसके बाद जो अगर मैं हर्षल पटेल को पिक करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 8 क्रेडिट बचेगा। अब 8 क्रेडिट में आपको किस प्लेयर को लेना है, आप यहाँ पे डी चमेरा को ले सकते हैं, ठीक है। तो आपकी टीम का जो प्रीव्यू होगा कुछ इस तरह से होगा, लेकिन ये मेरी टीम का प्रीव्यू बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस तरह से टीम नहीं बनाने वाला हूँ। मैं दोस्तों क्या करूँगा, हर्षल पटेल को ड्रॉप करूँगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि 9 क्रेडिट आपको मैनेज करना होगा, किसी प्लेयर को ड्रॉप करना होगा, तो मैं हर्षल पटेल को ड्रॉप करूँगा। अब हर्षल पटेल को ड्रॉप करना रिस्की होगा, बिल्कुल रिस्की होने वाला है, क्योंकि विकेट देखिए, 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, 2 विकेट, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि इस मैच में भी विकेट नहीं मिलेगा। अगर आप हर्षल पटेल को पिक करना चाहते हैं तो किस तरह से पिक करना है ये भी बताने वाला हूँ। जॉश हेजलवुड है, उसके बाद देखेंगे रवि बिश्नोई है, ठीक है। रवि बिश्नोई का सिलेक्शन थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन इस मैच में विकेट निकाल सकते हैं। अब दोस्तों टीम का प्रीव्यू मेरे ये होने वाला है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको जो है हर्षल पटेल को भी टीम में ले सकते हैं। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग एंड डेथ बॉलर्स जेसन होल्डर, आवेश खान या फिर डी चमेला कर सकते हैं। जेसन होल्डर, आवेश खान दोनों ही हमारी टीम में होने वाले हैं। उसके बाद जेसन होल्डर, आवेश खान दोनों ही डेथ में बॉलिंग करने वाले हमारी टीम में हो गए। उसके बाद ओपनिंग बॉलर्स की बात करेंगे, जॉश हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज नहीं हो गए। उसके बाद मोहम्मद सिराज नहीं हो गए, जॉश हेजलवुड, हर्षद पटेल हमारी टीम में नहीं हो गए। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 10 प्लेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। एक प्लेयर पर आपको रिस्क लेना होगा जो कि हर्षल पटेल मेरे हिसाब से हो सकते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉली के लिए, के राहुल है, ग्लेन मैक्सवेल, क्वेंटन डीकॉक, फैफ डुप्लेसी, विराट कोहली, ये कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं अच्छे ऑप्शन यहाँ पे स्मॉली के लिए। अब हमें इस टीम में कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे कि आपको लगता है कि हर्षल पटेल को टीम में लेना चाहिए तो फिर आपको किसको ड्रॉप करना चाहिए, देखिए आपको कम से कम जॉश हेजलवुड को, रवि बिश्नोई को, इन दोनों ही प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी आप हर्षल पटेल को पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो डी चमेला को आएगा, तो डी चमेला को पिक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे देखेंगे कुणाल पांड्या का ऑप्शन है तो कुणाल पांड्या को पिक कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑप्शन आएगा अनुज रावत का, तो 8 क्रेडिट में आप देख सकते हैं अनुज रावत को भी आप पिक कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन की बात करेंगे तो बैटिंग सेक्शन में हमारे पास बदोनी का ऑप्शन होगा, प्रभु देसाई का, तो इनको हम पिक नहीं करने वाले है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपको हर्षल पटेल को लेने के लिए कितने बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा, ये 2 बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप 9 क्रेडिट मैनेज करना चाहते हैं तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको केदारुल कॉन्टेंट को दोनों में से किसी को ड्रॉप करना चाहिए, यहां पे भी इन तीनों में से किसी को भी आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्कस टॉइनिस बॉलिंग कर सकते हैं और बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। अब बात करेंगे तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो बात है कहां पे हम ड्रॉप करें, देखिए हसरंगा को भी ड्रॉप नहीं कर सकते, आवेश खान को भी ड्रॉप नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनका दोनों का ही परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि हर्षल पटेल है, जिन्हें मैं ड्रॉप करने वाला हूं। मुझे पता है कि ये रिस्की होने वाला है, लेकिन हमारे पास और चॉइस नहीं बचती है, मैं हर्षल पटेल को ड्रॉप करके जॉश हेजलवुड को पिक करूंगा। अब यहां पे आपके पास ऑप्शन बचते हैं क्योंकि आपके पास 8.5 क्रेडिट है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन जो है मोहम्मद सिराज है, डी चमेरा है और रवि बिश्नोई है। अब दोस्तों मैं यहां पे रिस्क नहीं लूंगा उतना और रवि बिश्नोई को ले सकता हूं, लेकिन आपको पता है कि पेसर्स को 72 विकेट मिले, उस स्पिनर्स को कितना मिले है, 36 विकेट मिले मेरे हिसाब से। तो एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे रवि बिश्नोई जो कि स्पिनर है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, अगर विकेट नहीं मिले तो गलत बात होगी। लेकिन मोहम्मद सिराज की बात करेंगे तो आप मोहम्मद सिराज को भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए मोहम्मद सिराज का भी हम यहाँ पे प्रदर्शन देख लेते हैं कि इनके कितने विकेट है, देखिए लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले, उसके बाद यहाँ पे लिखा जाए यहाँ पे विकेट नहीं मिले, फिर भी मोहम्मद सिराज का थोड़ा जो है सिलेक्शन जो है थोड़ा डाउन हो चुका है। तो ऐसे में आप मोहम्मद सिराज को भी पिक कर सकते हैं या फिर चाहे तो रवि बिश्नोई को, लेकिन मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूंगा, मैं रवि बिश्नोई को पिक करूंगा। और दोस्तों ये मेरे टीम का प्रीव्यू होगा, लेकिन ये डेमो टीम है, आपको सिर्फ लगानी है, लेकिन फाइनल टीम में जो मैं आपको दूंगा वो कुछ ना कुछ चेंजेस करके ही दूंगा टॉस के अकॉर्डिंग। आपको पता है लास्ट के दोनों ही मैचेस में हुआ क्या है, 190 प्लस का स्कोर बना है और ज्यादा से ज्यादा 4 विकेट गए, और उसी पिच पे मैच खेला जाएगा तो मुझे लगता है कि 170 प्लस का तो स्कोर बनेगा ही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 से लेकर 6 विकेट जाएंगे। ऐसे में जो बड़े बैट्समैन होंगे, क्वेंटन डीकॉक चल सकते हैं, केएल राहुल भी चल सकते हैं मेरे हिसाब से, और बात करेंगे फैफ डुप्लेसी या फिर विराट कोहली, इन दोनों में से कोई चल सकता है, लेकिन 100% आप कोई भी नहीं कह सकते कि कौन चलेगा, ये परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों फाइनल टीम आपको कहाँ पे मिलेगी, फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, लिंक पे क्लिक करके सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ 25,000 रुपये का फ्री गिव आपके रखा है, तो आप इजीली पार्टिसिपेट करके यहाँ पे विन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।